गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और ये है रहीम का दोहा। ठीक है, रहीम जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, भक्ति काल के, और ज्ञानेश्री उप शाखा के कवि हैं। रहीम जी जो है इन्होंने नीति परक दोहों की रचना की है। नीति परक दोहों का मतलब होता है जो ज्ञान दे समाज के बारे में और प्रकृति के माध्यम से जो संदेश देते हैं उसका वर्णन किया है। जो लोग वीडियो देखते हैं वो प्लीज वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, इसलिए आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ओके, जिससे बाकी जो COVID-19 के तहत बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको इसका लाभ हो सके, ओके। स्टार्ट करते हैं। पहला पद है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रकृति माने होता है स्वभाव, करी माने कर सकता है, कुसंग माने जो ज्वर है, कुसंगति है, चंदन माने चंदन, विष माने जहर, व्याप्त माने समाया हुआ है, लिपटे माने उससे लिपटे रहते, भुजंग माने सांप। रहीम, जो रहीम, रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के लोग हैं, उत्तम प्रकृति मतलब जो उत्तम स्वभाव के और दृढ़ चरित्र वाले लोग हैं, इनका कर सकत मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुसंग माने बुरी संगत के लोग इनके चरित्र में जरा सा भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है, रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति हैं और दृढ़ चरित्र वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों का बुरी संगत में भी रहने पर कभी भी उनके चरित्र में कोई भी कुसंगति नहीं आती है। चंदन विष व्याप्त नहीं, कहते हैं जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के चारों ओर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं और चंदन के पेड़ में कभी भी विष उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात चंदन अपनी शीतलता को कभी भी त्यागता नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के और उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति हैं, वो बुरी संगत में भी रहने पर उनके चरित्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी जहरीले सर्प लिपटे रहें और चंदन जो है अपनी शीतलता का तब कभी भी त्याग नहीं करता है और कभी भी विष के प्रभाव को अपने अंदर आने नहीं देता है। इसी प्रकार सद्गुण भी अपने सज्जनों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, ना कि दुर्जन के गुणों को, अर्थात बुरी संगति का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। नेक्स्ट पद है, रहमन प्रीति सराइये मिले हो तरंग दून, ज्यों जड़दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। इसमें रहीम दास जी ने प्रेम को बताया है कि सच्ची मित्रता क्या होती है, सच्चा प्रेम क्या होता है। रहीमन प्रीति सराइये, रहीम दास जी कहते हैं कि ऐसे प्रेम की सराहना करना चाहिए, मिले होत रंग दून, कहते हैं कि जिसके मिलने से रंग जो है वो दुगना हो जाए। ज्यों जड़दी हरदी तजय, कहते हैं कि ज्यों हल्दी जो है, तजय माने त्याग देती है, जड़दी माने पीलापन, तजय सफेदी चून, और चूना जो है अपनी सफेदी को त्याग देता है और दोनों मिलकर एक अलग रंग ग्रहण कर लेते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम जो है वो मिलकर दुगना हो जाता है, अर्थात दोनों एक में समा जाते हैं, अर्थात वो एकाकार हो जाता है। जिस प्रकार हल्दी पीली होती है और चूना सफेद होता है, परंतु दोनों जो मिलकर एक नया लाल रंग बना लेते हैं और हल्दी अपना हल्दीपन छोड़ देती है, पीलापन छोड़ देती है, और सफेदी जो चूना जो है अपनी सफेदी को त्याग देता है, इसी प्रकार सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि प्रेम एकीकार होना चाहिए, मतलब दो आपस में मिलकर एक हो जाए, ओके। नेक्स्ट पद है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहमन फिर कोई ये टूटे मुक्ता हार।
रहीम दास जी ने इसने बताया है कि अपनों को कैसे मनाना चाहिए, जो अपने हैं अगर अपने हैं तो वो जरूर मानेंगे। कहते हैं कि प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व को बताया है कि सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाए, सुजन माने होता है सज्जन, कहते हैं कि अगर अच्छा व्यक्ति कोई आपसे रूठ जाए तो उसे 100 बार मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए, रहीमदास जी कहते हैं कि फिर मतलब बार बार उसे मनाना चाहिए। टूटे मुक्ताहार, कहते हैं कि जिस प्रकार मुक्ताहार मतलब मोतियों की माला, जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाती है और उन कीमती मोतियों को फेंका नहीं जाता बल्कि उन्हें बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सच्चन व्यक्ति हैं, अगर वो किसी कारणवश रूठ जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अगर जीवन में नहीं रहते हैं तो जीवन में मनुष्य को हमेशा उनकी कमी महसूस होती है। तो कहने का अर्थ है यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए, यदि वो बार बार नाराज हो जाए तो उन्हें बार बार उसी प्रकार मना लेना चाहिए जिस प्रकार मोतियों की माला टूटने पर उसे बार बार पिरोया जाता है। कहने का अर्थ है कि मूल्यवान चीज जो है वो बार बार मनुष्य को नहीं मिलती है या मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार अच्छे व्यक्तियों को कभी भी अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पद है, रहीमन असुआ नैन ढर जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कही दे। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो घर का व्यक्ति होता है अगर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो अपने घर के सभी रहस्यों को बता देता है। यहाँ पर आंसुओं की तुलना की गई है। रहीमदास जी कहते हैं आंसुआ नैन ढरी, नैन माने होता है नेत्रों में भरे हुए आंसू, ढरी माने निकल जाते हैं। जिये दुख प्रकट करे, जिये माने हृदय का दुख, प्रकट करते ही आंसुओं से जो आंसू है वो नेत्रों से बहने लगते हैं। जाहि निकारो गेह, कहते हैं कि जाहि माने जिस प्रकार से, गेह माने घर से, जिस प्रकार घर से किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वो अपना रहस्य, भेद माने रहस्य, तो अपना वो रहस्य बाहर अन्य किसी व्यक्ति से प्रकट कर देता है। कहने का अर्थ है रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू जो है इनका भी अपना महत्व होता है। आंसू आंखों से निकलते ही जिये माने हृदय या मन के दुख को प्रकट कर देती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाता है वह घर के भेद को किसी अन्य को भी कह देता है, अर्थात जो आंसू होते हैं ये अपनी भाषा जो है नैनों के माध्यम से या नेत्रों के माध्यम से दूसरों के समक्ष अपने जो दुख है उनको प्रकट कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि आंख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी अपने सारे भेद, अपने दुख जो है वो प्रकट कर देते हैं, अर्थात आंसू जो है व्यक्ति के हृदय के दुख को बता देती है। ओके, नंबर 5, नेक्स्ट पद, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। इसमें रहीमदास जी ने सच्ची मित्रता के बारे में बताया है। कही रही संपत्ति सगे, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति के समय मतलब जब हमारे पास सुख होते हैं, संसाधन होते हैं, तब हमारे बहुत लोग सगे बनते हैं। बनत बहुत बहुरीति, और कहते हैं कि अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से नए नए रीति माने तरीके, और बहुत प्रकार से नए नए तरीके से अपना पन दिखाते हैं। विपत्ति कसौटी चे कसे, कहते हैं कि जब विपत्ति की कसौटी आती है तो उस समय पता चलता है तेहि साचे मित्र, कहते हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है, अर्थात कहने का अर्थ है कि विपत्ति के समय ही मनुष्य को अच्छे और बुरे, सच और झूठ, मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। इसी तरह रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग अलग अलग तरह से विभिन्न प्रकार से सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जब विपत्ति का समय आता है तो मित्रता को नहीं निभाते, अर्थात अपनी मित्रता का त्याग कर देते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, कहते हैं कि मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय साथ देता है,
और इसी प्रकार की सच्ची मित्रता ही विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरी उतरती है। कहने का अर्थ है कि वही मित्रता सच्ची होती है जो विपत्ति के समय साथ दे। अर्थात सच्ची मित्रता वो नहीं है जो हर तरह से अपनापन दिखाए और विपत्ति में चला जाए। ओके, नेक्स्ट पद है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोड़। इसमें रहीमदास जी ने मछली के गुण को बताया है। कहते हैं कि मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया है। कहते हैं जाल माने होता है जो नेट डाला जाता है मछली को पकड़ने के लिए, जाल। जाल परे जाल जत बहे, कहते हैं कि जैसे ही शिकार के लिए नदी में जाल डाला जाता है, जल जात, जल माने पानी, कहते हैं कि पानी जो है उससे बह जाता है। तज मीनन को मोह, मीनन माने मछली, मतलब मछली के मोह को त्याग कर पानी जो है वो आगे बह जाता है और मछली जो है वो जाल में फंस जाती है। रहीमन मछली नीर को, रहीमदास जी कहते हैं कि मछली जो है नीर को मतलब जल को, तज न छाड़त मोह, कहते हैं कि और मछली जो है जल के मोह को त्याग नहीं, मोह को त्यागना सह नहीं पाती है। अर्थात वो उस मोह को त्यागते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे ही मछली जल से अलग होती है वो अपने प्राणों का त्याग कर देती है, लेकिन पानी जो है वो मछली का त्याग करके आगे बह जाता है। कहने का अर्थ है कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी जो है मछली का मुंह त्याग करके आगे बह जाता है और मछली का मुंह त्याग करके आगे बढ़ जाता है, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम होता है कि वो उसके विक्षोभ में अर्थात उसके दुख में अपने प्राणों को तक का त्याग देती है। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य का प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए जिस प्रकार मछली जो है पानी से दूर होकर अपने प्राण त्याग देती है, ना कि ऐसा होना चाहिए कि पानी जो है मछली की जगह को त्याग दे। कहने का अर्थ है कि बिना पानी के मछली तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार सच्चा प्रेम यही होता है कि मनुष्य को एक दूसरे की आवश्यकता बनी रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, दीनन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हुई। दीनन सबको लखत है, कहते हैं जो दीनन है, जो दीन है कि निर्धन व्यक्ति को तो सबको देखता है। लखत माने होता है देखता, दीनन माने दीन, कहते हैं जो दीन व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, वो सभी को देखता है। दीन ही लखे ना कोई, लेकिन निर्धन व्यक्ति को कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं जो दीन और निर्धन व्यक्ति को देखता है, दीन बंधु सम होए, वो दीन बंधु अर्थात कृपा सिंधु ईश्वर के समान होता है। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको इस लालसा से देखता है कि शायद कोई व्यक्ति उसकी मदद कर दे, लेकिन दीन व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति नहीं देखता है, अर्थात सभी समाज में उसकी उपेक्षा करते हैं। जो रहीमदास जी कहते हैं जो दीन दुखियों को देखता है, उनके दुख को समझता है, वो दीन बंधु ईश्वर के समान होता है, अर्थात परमात्मा के समान होता है। ओके, एक से लेकर सात तक पद जो है ये आपके कंप्लीट हो गए हैं, और आगे के जो पद है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसके लिए आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।